26/11 के विक्टिम में साबिरा हूँ। आज 15-16 साल हो गया सरकार के तरफ से, तो मुझे कुछ मदद मिली नहीं है। बोला हमको हफ्ता दो, यहाँ रहने के लिए रहना है तो 1,00,000 रुपया दो। शादाब ने मुझसे मांगा, हमने नहीं दिया, इसलिए मेरा बाल पकड़ के घर के अंदर से घसीट के हमको मार पीट के हमारा सामान सब उठा लिया। 26/11 में मैं बहुत बेबस वो हो गई थी, मेरे पास एक काम है, सरकार के तरफ से कुछ मुझे मदद नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अपना बना के जो मेरे ससुर ने दिए हैं मैं यहाँ क्लास चलाऊँगी। लेकिन हमारे साथ शादाब ने हमें मारा पीटा, हमसे घर से बेघर कर दिया। हमारा बर्तन सामान कागज पत्र शादाब बहुत बड़ा माफिया गुंडा है इधर का, ये सारी जगह जितना छेड़ा नगर के यहाँ से लेके वहाँ तक है वो बेच बेच के सबसे 50-50, 40-40 हज़ार रुपया लेके खाता है बेचता है। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ, मैं उज़ैन से और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 26/11 हमले में सबसे पहली विक्टिम जो इस हमले में दहल गई थी और इस हमले में सबसे पहली वो इस हमले का शिकार हुई थी, उन्हें लगातार इंसाफ के लिए प्रशासन से मुआवजा तो नहीं मिला, मगर जो इनकी ज़मीन थी अब वो भी छीनी जा रही है। आइए, हमारे साथ में मौजूद है साबिरा जी, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ छेड़ा नगर के जो हाईवे है यहाँ पर, और ये उनका घर था, उस घर का इनके पेपर वगैरह भी है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से उनकी ज़मीन हड़पी जा रही है। मैम, जिस तरीके से 26/11 में हमला हुआ था, 26/11 का आप उसकी पहली विक्टिम है, सरकार की तरफ से तो आपको कुछ मुआवजा दिया नहीं गया, मगर जो आपकी ज़मीन वगैरह वो भी हड़पी जा रही है, क्या कहेंगे? हाँ, 26/11 के विक्टिम में साबिरा हूँ। आज 15-16 साल हो गया सरकार के तरफ से, तो मुझे कुछ मदद मिली नहीं है। मेरा छेड़ा नगर में हाईवे के पास मेरा एक झोपड़ा था, और मेरा झोपड़ा मैंने आके बीच में बनाई और हमारा शादाब करके ने हमारा झोपड़ा गिरा दिया। तमाम बहुत बड़ा माफिया है, तमाम महिला औरत गुंडा लेकर के आया, हमारा झोपड़ा गिरा दिया, हमको मारा पीटा, हमारा जो बर्तन था लकड़ा बामू सही सब उठा के बेच डाला, और उसके बाद में हमको घसीट के बाहर किया। हमने 100 नंबर को फ़ोन लगा करके पुलिस को खबर दी, एम्बुलेंस आई हमको लेकर गई, वहाँ पे हमने मेडिकल करवाए, हमने मेडिकल रिपोर्ट और यहाँ का पेपर वगैरह सब हमने पुलिस चौकी में दिए, वहाँ का नगर सेवक है उनके पास भी, अपने कमिश्नर को DCP को सब हमने कागज़ वहाँ पर जमा किए। ये जगह हमारे ससुर ने हमको दिए थे कि बच्चे लोग को यहाँ ट्यूशन क्लास पढ़ाना, हमारे ससुर के कब्ज़ा यहाँ पर था, हमारे ससुर ने मुझे ये जगह दिया। और हमने बीच में आए तो ये करके हमारा जगह ने एक लंगड़ा करके है वो बना लिया है, जब जब मैं आती हूँ यहाँ पर हमको डंडा पत्थर उठा के मारता है और भगा देता है, जो हमारे कोई मदद के लिए आता है उनके ऊपर भी पत्थर और लकड़ा बामू उठाता है मारने के लिए, इसलिए हम डर के मारे यहाँ नहीं आ रहे। मैं हैंडीकैप हूँ और मेरे पैर में 11 ऑपरेशन हो गया है, मैं बहुत बेबस और लाचार हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के पुलिस और DCP SCP कमिश्नर हमारे इंसाफ दिलाएँ, शादाब को गिरफ्तार करें। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, आपके पास सबूत क्या है कि ये जगह आपकी? हाँ, ये जगह हमारे ससुर थे, हमारे ससुर ने जो लिख के दिए हैं ये हमारे पास सबूत है, और हमने कंप्लेन भी दिए हैं, पुलिस को कंप्लेन दिया है, कमिश्नर को कंप्लेन दिया है, छेड़ा नगर पुलिस को, छेड़ा नगर प्रधान है उनको भी हमने कंप्लेन दिए हैं, हमने सबको कंप्लेन दिए, लेकिन एक्शन नहीं लिए कुछ, आज तक पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करी। शादाब खुला घूम रहा है और ये जगह बेच बेच के खा रहा है। ये हमको 1,00,000 रुपया आया मांगने के लिए, हमने पैसा नहीं उसको दिए, बोला हमको हफ्ता दो, यहाँ रहने के लिए रहना है तो 1,00,000 रुपया दो। शादाब ने मुझसे मांगा, हमने नहीं दिया, इसलिए मेरा बाल पकड़ के घर के अंदर से घसीट के हमको मार पीट के हमारा सामान सब उठा लिया। हमारे साथ जब जब मैं आए, ये देखिए ये देखो, मैंने DCP कमिश्नर को दी हूँ। नहीं, आपका जो फोटो वगैरह था इसमें आपने, तो जिस तरीके से आप इनकी आप बीती सुन सकते हैं, और ये देखिए ये झोपड़े का है, और जो मेरे हाथ में पेपर देख रहे हैं आप, ये पेपर इनका लिखा पढ़ी का पेपर है जो इनके ससुर ने इनको लिख कर दिया था, ये वो पेपर है, इनके पास तमाम कागजात हैं, इसके बावजूद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इनकी मदद करना चाहिए, मगर इन्होंने पुलिस को लेटर भी लिखा है 2022 का दिया हुआ है। अच्छा, ये कितने समय से आपका मतलब ये रूम है, ये कितने समय से आपके रूम में? ये बहुत दिन, काफ़ी दिन हो गया है, ये 15-16 साल से ऊपर हो गया है। अच्छा, और ज़्यादा। हाँ, प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप?
प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि मेरे ससुर ने मुझे जगा दिए थे 26/11 में, मैं बहुत बेबस वो हो गई थी, मेरे पास सरकार की तरफ से कुछ मुझे मदद नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अपना बना के जो मेरे ससुर ने दिए हैं मैं यहाँ क्लास चलाऊँगी। लेकिन हमारे साथ शादाब ने हमें मारा पीटा, हमसे घर से बेघर कर दिया, हमारा बर्तन सामान कागज पत्र। शादाब एक बहुत बड़ा माफिया गुंडा है इधर का, ये सारी जगह जितना छेड़ा नगर के यहाँ से लेके वहाँ तक है वो बेच के सबसे 50-50, 40-40 हज़ार रुपया लेके खाता है, बेचता। हमारे से भी पैसा मांगने आया, 1 लाख रुपया दो, तो मैंने नहीं, मेरे पास था नहीं, मैं कहाँ से देती, मैं वैसे परेशान हूँ, मैं पैसा नहीं दी, इसलिए मेरा घर तोड़ा, हमको मारा, हमको घर से बेघर कर दिया, पूरा बर्तन कीर्तन स्टोर सब कुछ बेच दिया। मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दी हूँ, FIR कापी में सब मैंने लिखा है, यहाँ पर कमिश्नर DCP को भी लिखा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमने इसमें शादाब हैं, याकूब हैं, और बहुत सारे लोग हैं, उसके साथी हैं 5-6 लोग। हाँ, मैंने पुलिस को सब दिए हैं, नाम दिए हैं, ये सब FIR कापी पे लिखा हुआ है, ये सब FIR में सबका नाम दिया हुआ है। तो बहरहाल आप इनको साफ तौर पे सुन सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने आप बीती बताई और किस तरीके से इनकी ज़मीन को हड़पा जा रहा है। शादाब नाम का जो यहाँ का माफिया है, गुंडा है, ऐसा इनका आरोप है। अब पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले से सख्ती से जांच करना चाहिए और जो इसमें दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, मगर पुलिस भी ऐसे मामले में सख्ती से जांच नहीं करती, जिसका खामियाजा कुछ लोगों को अपनी जान भुगत के भरना पड़ता है। अब देखना ये रहेगा कि इस मामले में DCP हिमराज सिंह राजपूत किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं या इसी तरीके से इस मामले को छोड़ दिया जाता है। कैमरा पर्सन नरेश भानुजा, जैन से मुंबई TV।